दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पंजाब दौरे तहत जलंधर पुजे जिथे उन्हें अग्रवाल और वैश्य बरादरी नाल मुलाकात की। उत्थे उन्होंने जलंधर च उद्योगपतियों नाल भी मुलाकात की और मुश्किलां सुनिया। केजरीवाल का लोगों वालों भरपूर स्वागत किया गया। इस मौके लोगों को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली च सब ने जात पात तो उपर उठ के वोटां दित्तियां सन अते आप सरकार बनाई, हुण सब लोगों ने मिल के काम किया है। पंजाब च दिल्ली तो ज़्यादा वधिया माहौल दिख रहा है अते पंजाब दी जनता भी मन बना चुकी है कि पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब च मैनीफेस्टो भी गली गली मुहल्ले मुहल्ले जाके लोग बनाउणगे। उन्होंने कहा कि बादलों अते कांग्रेस तो ज़्यादा वो पंजाब नू जानते हैं। इसके मोटे मोटे दो कारण मैं समझता हूँ। एक कारण, आज पूरे देश के अंदर जनता जो मौजूदा राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी गतिविधियों से, उनकी कारगुजारियों से, उनकी राजनीति से तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। लेकिन चुनाव के वक्त लोग वोट नहीं डालते, लोग गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को न केवल धक्का मारा, उनको आम आदमी पार्टी के अंदर उम्मीद थी, इसलिए 70 में से 67 सीट आई। 70 में से 67 सीट का मतलब है धर्म की दीवारें गिर गई, जाति की दीवारें गिर गई, इकोनॉमी की दीवारें गिर गई। सारे धर्म के लोगों ने वोट दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तभी इतनी सीटें आई। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने जो कुछ काम किया है वो काम अब सारे देश के अंदर फैल रहा है। और अब पंजाब की बारी है। पंजाब में मैं जहां भी जा रहा हूं उसी किस्म का, उससे ज्यादा अच्छा माहौल देख रहा हूं जो माहौल हम लोग दिल्ली में देखा करते थे। दिल्ली के चुनाव के एक हफ्ता पहले भी हमें इस किस्म का माहौल नहीं दिख रहा था जो आज पंजाब के अंदर एक साल पहले हमने माहौल देखा। पंजाब की जनता बहुत परेशान हो चुकी है और पंजाब की जनता मन बना चुकी है कि इस बार हमें बदलाव करना है और इस बार उनको एक ईमानदार पार्टी का विकल्प मिला है, आम आदमी पार्टी। सरकार बनने के बाद आप करेंगे क्या, अपना ब्लूप्रिंट क्या है? वो ब्लूप्रिंट हम लोग अपने कमरे में बैठ के नहीं बनाना चाहते। कमरे में बैठ के बनाना होता दूसरी पार्टी वाले 2-4 एक्सपर्ट्स को ले आते हैं और 3-4 घंटे में मैनिफेस्टो बन जाता है। हमारा मैनिफेस्टो गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव के अंदर बनता है जी। पिछले 4 दिन से मैं गली गली के अंदर जा रहा हूँ, गांव गांव के अंदर जा रहा हूँ, लोगों के घरों में जा रहा हूँ, उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहा हूँ और जितना मुझे सीखने को मिला है आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ बादलों को और कैप्टन अमरिंदर को भी पंजाब के बारे में उतना नहीं पता जितना आज मुझे पता पंजाब के बारे में। जितना आज मुझे पंजाब की समस्याओं के बारे में पता, मुझे नहीं लगता उन लोगों को पता। ब्यूरो रिपोर्ट, 5 आप टुडे।